भी कार्यकर्ताओं को विजय अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इस विजय के साथ भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, ये हम जितना ज्यादा परकोलेट करेंगे उतना देश के भविष्य के लिए बहुत उपयुक्त होगा। बहुत बार हमारे देश में जब भी चुनावी चर्चा आए तो राजनीति के समीकरणों से ज्यादा जातीय समीकरणों की चर्चा रही है। ये पहला चुनाव ऐसा है कि सारे जातीय समीकरण, भौगोलिक समीकरण, परंपरागत समीकरण सारे से ऊपर उठ करके देश के मतदाता ने अपना वर्डिक्ट दिया है। वो कौन सी प्रेरणा है, वो कौन सा इंस्पिरेशन है, वो कौन सी अपेक्षाएं हैं जो देश की जनता को उस बिंदु पर जोड़ रही है। और मैंने बहुत पहले अपने राष्ट्रीय परिषद में कहा था कि चुनाव एक आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है, और ये नतीजे उस बात को ताकत दे रहे हैं कि हां, लोगों ने एक नई आशा के लिए इस सरकार को चुना है, एक अपनी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति एक होप के साथ चुनाव में मतदान किया है। और इसलिए सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की और हम सबका दायित्व बनता है कि हम जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खड़े उतरे। मेहनत करने में कोई कमी न छोड़े और हमारे निर्णय सामान्य मानवीय को अगर ये भरोसा दे सकते हैं, हां भाई अच्छा करने की दिशा में निष्ठापूर्वक किया गया ये प्रयास है तो ये देश कभी भी आपसे नाता नहीं तोड़ेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता। भारत की जनता की एक विशेषता है कि वो खुद की भलाई के लिए क्या हुआ उसी एक तराजू से चीजों को नहीं तोलते हैं। वो एक तराजू होता है लेकिन ज्यादातर उस तराजू की ताकत ज्यादा होती है कि आपके प्रयास कितने निष्ठापूर्वक हुए, आप अपने प्रयासों में कितने प्रतिबद्ध थे, आप अपने प्रयासों के प्रति सामान्य मानवीय को केंद्र बिंदु में रखकर के कितने आगे बढ़ रहे थे। ये अगर हम निष्ठा की कसौटी पर खड़े उतरते हैं तो जनता स्वागत करती रहती है, ये देश की विशेषता रहती है। और इसलिए हम जहां भी हो, जो भी दायित्व मिला है उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप कैसे आगे बढ़ाते हैं उसके आधार पर तय होगा। कि और देश के लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि भारत की जनता का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। भूतकाल में जनता ने प्रयोग किए हैं, जनता ने साहस दिखाया है, लेकिन समय समय पर उसे निराशा मिली है। वो पहले से ही सन 1967 से जनता कांग्रेस से विमुख हो चुकी थी, लेकिन और प्रयोगों ने उसको और निराश कर दिया था। और फिर गुम घूम करके मुड़ करके फिर वहीं चले जाना पड़ता था। ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि जनता तो हमसे 10 कदम आगे है, हम जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर के देश हित में उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप किस प्रकार से अपना आचरण करें, किस प्रकार से अपनी गतिविधियां चलाएं, किस प्रकार से अपने कदम उठाएं, उसके आधार पर देश के सामान्य व्यक्ति का लोकतंत्र पर भी विश्वास और बढ़ेगा, जो पूरे विश्व के लिए ताकत बन सकता है। भारत जैसे इतने बड़े देश की लोकतांत्रिक ताकत का बढ़ना यानी विश्व पर इसका इन्फ्लुएंस होता है, विश्व पर इसका प्रभाव होता है। हमने कभी भारत के दायरे के बाद हमने आपको सोचा नहीं, हम बहुत बड़े देश हैं, हम बहुत पुराने देश हैं, हम बहुत बड़ी ताकत हैं,
इस विश्व को अनुभूति हमें करानी होगी और एक बार अनुभूति कराएंगे तो विश्व भी हमें अपने किसान बराबरी का दर्जा देने से कभी भी कोताही नहीं बरतेगा, ये मेरा विश्वास है। सार्क इनिशिएटिव ये अपने आप में विश्व को एक मैसेज देने का एक बहुत बड़ा कारण बना है। सारी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, अभी भी चर्चा कर रही है कि कैसे हुआ क्या लगता है क्या सब चर्चा कर रहे हैं। सही समय पर सही इनिशिएटिव कितना बड़ा परिणाम देता है इसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं कि आपने पूरे चुनाव के और लंबा चुनाव होता है तो उसकी व्यवस्थाओं को सस्टेन करना अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि तो मैं यहीं रहकर के चुनाव प्रबंधन करने वालों में से एक था इसलिए मुझे मालूम है कि कितना मेहनत का काम होता है और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं इतनी होती है आप कितना ही करो शाम पड़ते पड़ते तो आपको डांट पड़ती ही पड़ती है। कहीं कहीं से फोन आएगा, मैंने सुबह से कहा था मेरा काम क्यों नहीं हुआ, उसको भेजने के लिए मैंने कहा था क्यों नहीं हुआ, वो मैंने फैक्स मंगवाया था क्यों नहीं भेजा, उस नेता से बात करवाना चाहा था क्यों नहीं हुई। तो यहां के लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुछ सुना होगा, क्या कुछ झेला होगा, लेकिन इसके बाद भी हंसते खेलते सारे काम को आपने आगे बढ़ाया और विजय को प्राप्त करने में जितने लोग मंच पर शोभा बढ़ाते हैं उससे ज्यादा पर्दे के पीछे जो पसीना बहाते हैं उनकी ताकत बहुत होती है। और ये वो लोग होते हैं जो कभी टीवी पर के स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते, ये वो लोग होते हैं जिनको कभी माला पहनने का सौभाग्य नहीं मिलता, ये वो लोग होते हैं कभी अखबार की सुर्खियों में उनका नाम पर कभी छपता नहीं है। और ऐसे लक्षण भी लोग होते हैं जो इस प्रकार से तपस्या करते हैं, न कभी वो टिकट की कतार में खड़े रहते हैं न कभी उनके जीवन में इस प्रकार का पद की सूचना बढ़ाने का अवसर मिलने वाला है। उसके बाद भी भारत माता की जय इसी एक संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुटे रहने वाले लक्षण के कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के पास होना ये अपने आप में हम लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। ऐसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बदौलत ये विजय सिर प्राप्त होती है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस चुनाव के कार्यकाल कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्राण भी खोए हैं, रैलियों में कभी जाते आते हुआ कभी व्यवस्थाओं में लगे होंगे कोई अकस्मात में गए, लेकिन एक मंत्र के लेकर के काम कर रहे थे, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आदरपूर्वक श्रद्धा भी अर्पण करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं उनके प्रति, उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे ये भी मैं प्रार्थना करता हूं। फिर एक बार आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये ठीक है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ दो शब्द और जुड़ गए हैं, लेकिन उन छह अक्षरों वाला शब्द जिसको लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, पांच अक्षरों वाला शब्द, उससे ज्यादा चार अक्षरों वाला शब्द ज्यादा ताकतवर है और वह है कार्यकर्ता। और इसलिए ये कार्यकर्ता की बदौलत है, उन चार अक्षरों की ताकत है कि जिससे इस पांच अक्षरों की शोभा बढ़ाई है। उन चार अक्षरों के लिए कार्यकर्ता के रूप में जीने वाले जूझने वाले जीवन खपाने वाले उन्हीं की बदौलत है कि कभी पांच अक्षर पैदा होते हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं ऐसा अभिनंदन करता हूं।